Welcome to Cocktails India and I am your host Dada Bartender. Friends, आज हम लोग सीखेंगे एक cocktail और जिसका नाम है Spiced Old Fashion. ये एक classic cocktail जो है ना old fashion उसका twisted version है. बहुत ही fantastic cocktail है और इस cocktail को बनाने के लिए जितने भी सामान आपको चाहिए वो सब आपको घर में मिल जाएगा. कॉकटेल थोड़ा सा मीठा है और ये मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लेडीज के लिए, हालांकि ये कॉकटेल विस्की से बनेगा तो काफी इंटरेस्टिंग ये कॉकटेल है. तो चलिए टाइम ना गवाते हुए कॉकटेल को बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं. क्या आपको मालूम नहीं है कि एक आम व्हिस्की को खास बनाने के लिए सिर्फ 15 दिन लगता है? माय व्हिस्की बैरल, जिससे आप रेगुलर को प्रीमियम व्हिस्की में कन्वर्ट कर सकते हैं. देर किस बात का, आप तो जान गए. जल्दी से जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. वेलकम बैक फ्रेंड्स. पहले देख लीजिए कि आपको इस कॉकटेल को बनाने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट्स चाहिए. ये रहा उसका लिस्ट. अब कॉकटेल को बनाते हैं. पहले आपको चाहिए एक ओल्ड फैशन ग्लास, यूजुअली जो ग्लास में आप व्हिस्की को सर्व करते हैं. सिंपल और ऑर्डिनरी ग्लास भी चलेगा. अगर आपके पास ये ग्लास नहीं है, टॉल ग्लास है तो भी चलेगा. अब इसमें हम पहले देंगे क्लोव्स को. क्लोव्स जो दे हैं वो हम लोग देंगे, यानी इसको बोला जाता है लॉन्ग. हम लोग देंगे 5-6 ऐसा. थोड़ा सा ज़्यादा होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग ना बहुत हल्का इसको मॉडल करेंगे. तो मॉडल करते हैं बस. ब्यूटीफुल, बस इतना ही मॉडल करना है. बहुत जेंटल एरोमास चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए. तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देंगे ऑरेंज मर्मलेड. अगर आपके पास जेली भी है ऑरेंज तो भी चलेगा. तो ऑरेंज मर्मलेड हम लोग कितना देंगे, 1 स्पून, बस ऐसा. अब इसको हम लोग इकट्ठा मिला लेंगे. अब इसको अच्छा करके मिलाने के बाद ऑरेंज को मिलाएंगे. तो ये रहा मेरे पास कटा हुआ ऑरेंज, जिसको हम लोग थोड़ा सा स्क्वीज करके अंदर में डाल देंगे. जस्ट लेंगे, थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे हाथ में और अंदर में डाल देंगे. 4 टुकड़ा लेंगे और डाल देंगे. दैट्स ऑल. अब थोड़ा सा और स्टर कर लेंगे सबको इकट्ठा. वाओ, फैंटास्टिक एरोमास आ रहा है. अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे 60 ml कोई भी स्कॉच. इंडियन व्हिस्की से मत बनाइए, मज़ा नहीं आएगा. थोड़ा सा स्कॉच व्हिस्की दीजिए तो उसमें जो स्मोकी फ्लेवर है वो बहुत अच्छा काम करता है इस कॉकटेल के लिए. तो 60 ml स्कॉच. अब थोड़ा सा और स्टार करना है, सबको आराम से मिलाना है. अब इसमें हम लोग डालेंगे लॉट्स ऑफ आइस. ये रहा आइस. देने के बाद मैं थोड़ा सा और इसको स्टर करूंगा. अब इसमें हम एक ट्विस्ट करेंगे. ऑरेंज जेस्ट जो है मैं पहले से काट के रखा था, छिलका जो है वो मैं पहले से काट के रखा था. तो मैं ना उसको थोड़ा सा बर्न करूंगा यहां पर, ऐसे ऐसे करके थोड़ा बर्न करूंगा. और बर्न करने के बाद मैं इसको अंदर में ऐसे स्क्वीज करके दे दूंगा. ये देखिए, अब इसको मैं अंदर में ऐसे डाल दूंगा और ऐसे डाल दूंगा थोड़ा सा और आइस. ये जो मैंने ऑरेंज डाला थोड़ा सा बर्न करके, इसमें क्या हुआ, बहुत ही बेहतरीन एरोमा ऐड हो गया इस कॉकटेल में, क्योंकि ऑरेंज में जो एसेंशियल ऑयल है वो बर्न होते हुए इस कॉकटेल में ऐड हुआ. बहुत ही मस्त एक फ्रेग्रेंस छोड़ेगा ऑरेंज का. कॉकटेल ऑलमोस्ट तैयार है. अब इसमें लास्ट ट्विस्ट मैं एक करूँगा, वह है कि बीटर्स मैं यूज़ करूँगा. ये मेरे पास आज नॉन अल्कोहलिक बीटर्स है. अगर आपके पास अल्कोहलिक बीटर्स है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा. बीटर्स देने से इसका जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस है वो निकल के आता है, कमाल का लगता है कॉकटेल.
तो मैं इसमें क्या करूँगा, सिर्फ 3 ड्रॉप ये बिटर दे दूंगा, 1, 2 एंड 3। क्या मस्त फ्लेवर आ रहा है, क्या बताएं, मतलब कमाल का फ्लेवर आ रहा है। अब इसको ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करेंगे, हम इसमें गार्निश को दे देंगे, और गार्निश मैंने ऑलरेडी काट के रखा था ऐसे, जिसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा ऐसे, सिंपल गार्निश। तो कॉकटेल कंप्लीटली तैयार हो चुका है, अभी मैं टेस्ट करूंगा और टेस्ट करके आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसा लगा। मेरा कॉकटेल है हमेशा मुझे अच्छा ही लगता है, बट आई एम श्योर कि ये पार्टी कॉकटेल के लिए अल्टीमेट होगा। घर में पार्टी है, यू नो 10-12 पीपल का यू नो गैदरिंग है, तो आप इस कॉकटेल को आराम से बना सकते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। फैंटास्टिक, और लास्ट में मैंने जो बिटर दिया वो कमाल का एसेंस छोड़ रहा है। बनाइए स्पाइसी ओल्ड फैशन और मुझे लिखिए कि आपको ये कॉकटेल कैसा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तब जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल, नए मॉकटेल, नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड डोंट डू चेस, डू चाय हो। हालांकि मैंने चेस कर दिया था। बाय बाय।